हेलो दोस्तों, वेलकम टू अब्बास मोबाइल ऑफिशियल। दोस्तों, मेरे पास ये आइटल का सेट है और ये सेट जो है वो ओपन नहीं हो रहा है, डेड है सेट। ये देखिए आइटल IT5600, ये मॉडल नंबर है। तो इसको किस तरीके से रिपेयर किया जाएगा मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब भी आपके पास कोई ऐसा डेड सेट आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बैटरी को चेक कर लेना है कि सेट को ओपन करने के लिए बैटरी में उतना पावर है या नहीं है। तो हम यहाँ पर जब चेक करते हैं तो हमने देखा यहाँ पर बैटरी में उतना पावर है कि जो ये सेट को ओपन कर सकता है, यानी बैटरी को बैटरी में इतना चार्जिंग होना चाहिए, यानी 3.7 से ऊपर वोल्टेज होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मेरे बैटरी में वोल्टेज है। फिर भी ये हमारा सेट जो है वो ओपन नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करना होगा इसमें सेट में कि जिसकी वजह से हमारा सेट ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं और हम सेट को ओपन करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कहां पर क्या करना होगा कि जिसकी वजह से ये आपका सेट फुल ओपन होना शुरू हो जाएगा, यानी जो डेड है वो डेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए, हमने वीडियो को थोड़ा तेज कर दिया ताकि फटाफट से हम काम कर लें और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, सेट को ओपन करने के बाद यहाँ पर जितना भी डस्ट लगा हुआ है उसको रिमूव कर देना है, हटा देना है, जिस तरीके से यहाँ पर मैं एक ब्रश के ज़रिए से रिमूव कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से साफ कर लेना है, वॉश कर लेना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो यहाँ पर ट्रे लगा हुआ, एंटीना लगा हुआ, हम इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, चलिए, हम इसको रिमूव करने के बाद क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीके से मैं करता जा रहा हूँ, आप उस तरीके से स्टेप बाई स्टेप फॉलो करते रहें, 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, हम इसको हिट करके जो एंटीना है इसको रिमूव कर लेते हैं। बहुत लोग इसको ज़बरदस्ती करते हैं तो बहुत सारे यहाँ पर जो कैपेसिटर हैं वो फॉल्ट हो जाता है उनका और सेट हमेशा के लिए डेड हो जाता है और लाइन ब्रेक हो जाता है, तो इसकी वजह से सेट डेड हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप इसको हिट करके रिमूव करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, हमने यहाँ पर इसको हिट करके रिमूव कर लिया है और फिर उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको कूल हो जाने देते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा हम इसको कूल हो जाने देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप किसी और वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें, हमने वहाँ पर बहुत सारी वीडियो के लिंक दे रखी है। अगर आपके काम की कोई वीडियो हो तो आप वहाँ पर जाकर देख लें, आपका अगर काम का वीडियो तो आप वहाँ पर देख लें, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। हमने बहुत सारी वीडियो की लिंक दे रखी है। चलिए, हम इसको फटाफट से अच्छे से वॉश कर लेते हैं, ये कनेक्टर यानी एंटीना निकालने के बाद इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। जिस तरीके से मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट कर वॉश कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपको इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, थोड़ी देर जब ये सूख जाए उसके बाद यहाँ पर आपको पेस्ट लगाना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर पेस्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, हम यहाँ पर अच्छे से इसमें पेस्ट लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, आप स्टेप बाई स्टेप फॉलो करते रहे, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। अगर नई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, पेस्ट लगाने के बाद इसको थोड़ा ऊपर से रिसोल्ड करना है, यानी रिहॉट करना है, इसको गर्म हवा देकर इसको रिहॉट करना है। ठीक है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर रिहॉट कर रहा हूँ, तो चलिए, हमने इसको थोड़ी देर के लिए रख भी दिया, ये कूल भी हो गया। तो अब हम यहाँ पर सेट को ओपन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।